सलाम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद रऊफ एंड यू आर वाचिंग रूफी डेक। तो गाइस, आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट को एक डोमेन या एक होस्टिंग से दूसरी डोमेन या दूसरी होस्टिंग पर या लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पर कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। एंड अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन उसे जरूरत पड़ने रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग उसी प्लगइन की मदद से, अपड्राफ्ट की मदद से बैकअप क्रिएट करेंगे, देन उसे दूसरे डोमेन पर शिफ्ट करके टेस्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस का कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलें जल्दी सब स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ओके सर एवरीवन, इस वक्त जो है हम लोग आते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। और अब जो है मैं आप लोगों को हमारी जो वेबसाइट थी limitlessinc.com उसे माइग्रेट करके दिखाऊंगा web.limitlessinc.com पर, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे फ्रंट एंड से ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बाई डिफॉल्ट वर्डप्रेस की थीम है वो इस जगह पर इंस्टॉल है, ठीक है ना, 2022। और अगर हम लोग अपनी limitlessinc.com वेबसाइट की बात करें तो एक मिनट में उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर रखी है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब क्या होता है कि मोस्टली मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो मैं उनकी वेबसाइट्स को जो है अपने पास एक सब डोमेन बनाकर उसके ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आउटड्राफ्ट से बैकअप लेकर अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर जो है जाकर रिस्टोर कर देता हूँ। अब बैकअप तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ले लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी से जाकर पहले उसे देखो, फिर इस वीडियो पर आना, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से अब ड्राफ्ट में जाएंगे, तो बैकअप हम लोगों ने बना रखा है, उसे हम लोग करेंगे अपने पास डाउनलोड। तो अब मैं सिंपली जो है इन तमाम चीज़ों पर सिंगल सिंगल क्लिक करता जाऊंगा, ठीक है ना, थीम्स अपलोड एंड अदर्स। ओके, इसके बाद जो है ये सब तमाम चीज़ें चेक करें, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर सभी पर बटन आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा इस जगह पर, ठीक है, ये मेरी डेटाबेस डाउनलोड हो गई। देन प्लगइन्स को डाउनलोड करूंगा। ओके, सो हमारे जो प्लगइन्स थे वो डाउनलोड हो रहे हैं, कुछ ही सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें डाउनलोडिंग स्पीड भी डिपेंड करती है आप लोगों के इंटरनेट स्पीड पर। तो 20 MB की हमारी फाइल थी, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गई है। अब जो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अपने पास थीम्स को, ठीक है ना, ये भी डाउनलोड हो रहे हैं। इस तरह से हमारी जो सबसे बड़ी बैकअप की फाइल होती है वो होती है हमारे अपलोड फोल्डर, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम लोगों ने मीडिया वगैरह अपलोड कर रखा होता है, इसलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और बाजों का सिचुएशन में ये इसका साइज कम भी हो सकता है। तो मैं जो इसे भी कर लेता हूँ डाउनलोड। और ये हमारे पास कुछ ही KB का, क्योंकि आई थिंक हम लोगों ने जस्ट एक दो इमेजेस ही अपलोड कर रखी हैं अभी तक, क्योंकि हमारी कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनी हुई, मैं जस्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके, देन जो है मैं अदर वाली जो फाइल है इसे भी डाउनलोड कर लूँगा। ओके, सो हमारी ऑलमोस्ट सभी फाइल डाउनलोड हो गई हैं। अब मैं चला जाता हूँ web.limitlessinc.com में, और यहाँ से चल जाऊँगा डैशबोर्ड में, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग्स एंड अपड्राफ्ट में। और इस जगह पर आने के बाद यहाँ से एक मिनट जस्ट पेज लोड हो जाए। एंड रिमेम्बर वन थिंग, इस सर्विस को अपने पास नोट कर लो या वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करके आप लोग इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चेक करें कहीं ऑटो के ऊपर लग गया प्लगइन आई थिंक अपड्राफ्ट, और खाम खाम में ही जो है इतने सारे बैकअप बन रहे हैं। मैं इसे भी डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ओके कर देंगे। देन अब मैं चला जाऊँगा अपलोड बैकअप फाइल में, ये ऑप्शन आ गया। अब जितनी भी फाइल्स हम लोगों ने जो है अपने पास डाउनलोड की थी, मैं वन बाई वन करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा, ठीक है। और ये मेरी फाइल्स यहाँ पर अपलोड होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट फाइल, दिस वन, देन नेक्स्ट वन, एंड देन दी लास्ट वन। ओके, सो हमारी फाइल जब तक अपलोड होती हैं, हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि अपने पास अपनी होस्टिंग को जो है हम लोग लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से होस्टिंगर में लॉग इन कर लूँगा अपने पास। सो नाउ अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अपने प्लान्स में, जो हम लोगों ने अपनी होस्टिंग परचेज कर रखी है। ओके, गलत जगह पर आ गए हैं, बैक। ओके, डोमेन्स एंड होस्टिंग, क्लिक ऑन मैनेज। तो इस जगह से जो है मैं स्विच करूँगा ओल्ड डैशबोर्ड में, ठीक है ना। और ये हमारे तमाम डोमेन्स वगैरह यहाँ पर ऐड हैं। हम लोग यहाँ से चल जाएंगे PHP माई एडमिन में, स्क्रॉल डाउन PHP माई एडमिन। और इस जगह पर हमारे पास दो हमारी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी limitlessinc.com की और कौन सी web.limitlessinc.com की।
अब जो हम लोग फर्स्ट वाली में पहले जाएंगे और जाकर इसे चेक करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा। ओके, इतने हमारी फाइल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी हैं। सो नाउ ये हम लोग आ चुके हैं अपने डेटाबेस पर। यहाँ पर ये ऑप्शन है WP ऑप्शंस, ठीक है ना। ये WP जो वर्ड है ये ऑप्शनल है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शंस लिखा हुआ है ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। हम लोग करेंगे इस पर क्लिक और ये चेक करें https://limitlessaims.com। इट मीन्स कि ये जो हमारी डेटाबेस है वो हमारी वेबसाइट limitlessaims.com की है और हमें जाना है web.limitlessaims.com में। तो मैं सेकंड डेटाबेस में जा रहा हूँ। ओके, सो हमारी फाइल्स भी इधर जो थी तमाम अपलोड हो गई हैं, ठीक है। डेटाबेस प्लगइन्स थीम्स अपलोड एंड अदर, मैं इसे भी साथ साथ रिस्टोर पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। प्लगइन्स थीम्स अपलोड अदर डेटाबेस देन नेक्स्ट देन रिस्टोर, ठीक है। ये रिस्टोर हो रही है। इतने मैं क्या करता हूँ, इस जगह से आकर लिंक को कर लूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, या फिर दूसरा ये ऑप्शन है, कॉपी कर लिया लिंक, ठीक है। ओके, सो हमारा जो रिस्टोर प्रोसेस था वो हो गया, अब हमारे पास कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमें लॉगिन का ऑप्शन आ गया कि भाई अपनी वेबसाइट में लॉगिन करें। अभी सब जो लॉग आउट हो चुके हैं और जो हम लोगों ने लिंक कॉपी किया होता वो अब हम लोग आ कर हैं WP ऑप्शन में, ठीक है ना। मैं इस वक्त जो है आ चुका हूँ अपनी वेबसाइट web.limitlessaims.com में, ठीक है ना। इस जगह पर भी जो है अगर हम लोग ऑप्शन में जाए ना तो हमें https://limitlessaims.com लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसा इसलिए है कि हम लोगों ने limitlessaims.com की तमाम जो फाइल्स थी उन्हें रिस्टोर किया है वेब पर, ठीक है ना। अब web.limitlessaims.com का जो डेटाबेस से URL था, जो नेम था, वो कन्वर्ट हो गया limitlessaims.com में। अब हमें जो है इसे अगेन सेट करना है। अगर हम लोग इसे सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई बंदा आकर web.limitlessaims.com सर्च करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी मेन डोमेन पर। तो हमें उस रीडायरेक्शन को रोकने के लिए इस जगह से आकर डबल क्लिक किया मैंने, इसे रिमूव करके ये मैंने लिंक पेस्ट किया जो मैंने पहले कॉपी कर रखा था, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामने कॉपी किया था मैंने https://web.limitlessaims.com। इसी तरह मैं इस जगह पर भी जो है अपने पास इसे पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा। ओके, दैट्स इट। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करता हूँ, इनकॉग्निटो मोड के अंदर आकर मैं सेम लिंक पेस्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। तो अब चेक करें कि हमारी जो वेबसाइट थी वो हो गई है माइग्रेट, और हमारी ये वेबसाइट जो है इस वक्त रीडायरेक्ट भी नहीं हुई, ठीक है ना। बिल्कुल web.limitlessaims.com पर ही चल रही है। अगर जो है हम लोग डेटाबेस से जाकर लिंक को चेंज ना करते, देन जो हमारी वेबसाइट थी वो हमारी मेन डोमेन जो क्या है limitlessaims.com पर रीडायरेक्ट हो जाती। ओके, तो इस तरह से जो है आप लोग वेबसाइट्स को एक डोमेन से दूसरी डोमेन या एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर माइग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ लग गई होगी, बट स्टिल अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।